हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुमा शाही किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर इजी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और ये सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। तो हमने इसके लिए यहाँ पे क्या क्या मसाले लिए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो चिकन, इसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। 2 मीडियम साइज प्याज हैं, 2 मीडियम साइज टमाटर हैं, दोनों चीज़ों को बारीक काट लिया है। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/2 कप दही लिया है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे मक्खन लिया है बटर, 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको बारीक काट लिया है, 5 to 7 हरी मिर्च ले सकते हैं आप, 2 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है, 1/2 कप में हमने तेल डाला है, 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा। अब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इस तरह मिक्स करते रहना है चिकन को और हमें ये तब तक फ्राई करना है जब तक सारे पीसेस का कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह साथ साथ मिक्स करते रहें। अराउंड 3 to 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, सारे पीसेस का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे प्याज डाल रहे हैं, टमाटर डाल रहे हैं, मिक्स कर देंगे इन दोनों चीजों को। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये डिश तैयार हो जाती है और बहुत ही मजेदार तैयार होती है। इस तरह मिक्स करके हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ड्राई मसाले ऐड कर रहे हैं। इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सारे मसाले कितनी अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं और बहुत अच्छा कलर भी आ रहा है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसमें। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, अब खोल के देख रही हूं मैं, आप देखिए परफेक्ट हो गया है ये, बिल्कुल पानी भी इसका ड्राई हो गया है और टमाटर और प्याज भी अच्छी तरह गल गए हैं और चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। अब हम यहाँ पे दही ऐड कर रहे हैं। दही को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको भूनेंगे। ये ऑलमोस्ट डन है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
देखें दही हमारा अच्छी तरह से हमने भून लिया है, दही डाल के बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे दही को भूनने के बाद। अदरक डाल देते हैं, कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं, हरा धनिया डाल रहे हैं, बाकी की चीजें हम ऊपर से डालेंगे। आज मुझे बहुत स्पाइसी चिकन कढ़ाई बनानी थी, इसलिए मैंने ज्यादा हरी मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा। साथ में अब एंड पे बटर डाल रहे हैं। बिल्कुल तैयार है हमारी चिकन कढ़ाई। अब हमने इसमें बटर मिक्स कर दिया है। बस 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। दो मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। स्लो फ्लेम पे हमने रखा है इसको 2 मिनट के लिए, और ये देखें बिल्कुल तैयार है। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ, चपाती के साथ। जबरदस्त डिश है ये, हर चीज के साथ ये बेस्ट लगेगी आपको। आज मैंने इसके लिए पराठे तैयार किए हैं, मैं अपने घर में इसको पराठों के साथ सर्व करूंगी। तो तैयार है मेरी सुपर इजी स्पाइसी चिकन कढ़ाई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।